हेलो किड्स, कल कौन सा फेस्टिवल है? पता है आपको कौन सा फेस्टिवल है? कल है हैप्पी जन्माष्टमी। व्हाई वी सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल? क्यों सेलिब्रेट करते हैं हम ये वाला फेस्टिवल? क्योंकि इस दिन लॉर्ड कृष्णा का क्या हुआ था? बर्थ। तो इस दिन लॉर्ड कृष्णा का हैप्पी बर्थडे होता है। जैसे आपका हैप्पी बर्थडे होता है ना, ऐसे लॉर्ड कृष्णा का हैप्पी बर्थडे हुआ था। और इस दिन हैप्पी बर्थडे होता है। और उनका जो बर्थ हुआ था वो मिडनाइट, रात को 12 बजे हुआ था। इसीलिए रात रात को 12 बजे क्या होता है, सभी टेम्पल्स डेकोरेट होते हैं, आप जाते हो ना, और बहुत विद ग्रेट पॉम्प एंड शो सारे सब जने मिलके लॉर्ड कृष्णा का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। झूला मंदिर में जाते हैं हम लोग, टेम्पल में जाते हैं, कृष्ण जी का झूला झुलाते हैं। देखो ये झूला है कृष्ण जी का। एंड जो कृष्ण जी थे उनको फ्लूट बहुत पसंद थी, बांसुरी। ये कृष्ण जी की बांसुरी। एंड दिस इज द क्राउन, मुकुट जो कृष्ण जी पहनते थे, मुकुट। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है कृष्ण जी का फेवरेट फूड माखन। देखो मटकी, ये मटकी है जो कृष्ण जी को फेवरेट फूड था, माखन। माखन कृष्ण जी को बहुत पसंद था, जहां कर भी माखन रखा होता था। अगर उनकी मम्मा छुपा के भी रखती थी ना माखन, वो चुपके से जाते थे अपने फ्रेंड्स के साथ और माखन निकाल के ले आते थे और खुद भी खाते थे और अपने जो फ्रेंड्स थे उनको भी खिलाते थे। और इस दिन जो बच्चे होते हैं, गर्ल्स क्या बनती है, राधा, और ब्यूटीफुल राधा। और बच्चे बॉयज क्या बनते हैं, कृष्णा, क्यूट क्यूट कृष्णा। आपने देखा है ना, जब आपके भी स्कूल में जन्माष्टमी सेलिब्रेट होती है तो आप कैसे बन के जाते हो ना, सुंदर सुंदर न्यू न्यू क्लोथ्स पहनते हो। और इस दिन अपने घर में भी जो आपके घर में लड्डू गोपाल होते हैं उनको भी आप न्यू न्यू क्लोथ्स पहनाते हो। और नई नई मम्मा मम्मा आपकी स्वीट्स बनाती हैं। इसी तरह से सब लोग क्या करते हैं, इस दिन घर में स्वीट्स बनाते हैं, न्यू न्यू क्लोज पहनते हैं, कृष्ण जी को भी न्यू न्यू क्लोज पहनाते हैं और उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो आज मैम आपको जन्माष्टमी पे, जैसे मैम ने मटकी बनाई है ना, तो मैम आपको एक पेपर की मटकी बनाना सिखाएगी। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। सीखनी है आपको? सीखनी है तो देखो मैम कैसे बनाती है। आप सब देखो, ध्यान से देखना। मैंने एक पेपर लिया है, आप कोई भी पेपर ले सकते हो। मैंने ये वाला पेपर लिया है, मेरे पास ये वाला था। आप कोई भी पेपर ले सकते हो, व्हाइट भी ले सकते हो, कलर्ड भी ले सकते हो, और कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट, बेंगल कुछ कोई भी ले। जैसे मैंने एक बॉटल की कैप ली है, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, एक ऐसे प्लेस करके पेपर के ऊपर आपको एक विद द हेल्प ऑफ अ कैप, विद द हेल्प ऑफ अ बैंगल कुछ भी ले सकते हो आप, और एक सर्कल ड्रॉ करना है लाइक दिस। ऐसे ऊपर थोड़ी सी आपको स्पेस छोड़नी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नाउ वी विल कट इट विद द हेल्प ऑफ द सीजर। अब हम इसको सीजर की हेल्प से क्या करेंगे, कट करेंगे। अगर आपको कटिंग में प्रॉब्लम हो तो आप किसी की हेल्प भी ले सकते हो, अपनी मम्मा की, अपने ब्रदर सिस्टर की, जिसकी भी आप लेना चाहो आप ले सकते हो। नाउ वी विल डेकोरेट इट। अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। डेकोरेशन के लिए आपके पास पुरानी राखी के स्टोन्स होंगे, बिंदी जो आपकी मम्मा बिंदी लगाती है वो भी आप यूज कर सकते हो, और बटन्स,
और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप कलर्ड स्केच पेन भी यूज कर सकते हो, उससे भी आप डिजाइनिंग कर सकते हो, जो भी आप करना चाहो। देखो मैंने ये मेरे पास घर पे ही थे, जो आपके पास घर पे हो आप वो ही यूज करना, अलग से मार्केट से परचेज नहीं करना है आपको कोई भी चीज, जो आपके पास घर में अवेलेबल हो वो आपको वो ही यूज करना है। मेरे पास ये वाले जो थे स्टोन्स के, मेरे पास घर में ही थे तो मैंने यही वाले यूज करे हैं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको मार्केट से कुछ भी परचेज नहीं करना है, जो घर में अवेलेबल हो इजीली वो ही आपको यूज करना है। ठीक है, देखो है ना सिंपल। अब बीच में हम इसको, मेरे पास बीच में कलर ये फ्लावर पड़ा था, ये देखो मैंने लगा दिया ये, ठीक है। अगर पेस्ट नहीं होगा आपको ग्लू की हेल्प लेनी पड़ेगी, ग्लू लगाओगे आप, थोड़ी सी ग्लू को अप्लाई करोगे और इसको फिर आप पेस्ट करोगे ऐसे यहां पर। लाइक दिस, जितना आप डेकोरेट करना चाहते हो वो आपकी चॉइस है, अगर आपको ज्यादा डेकोरेशन चाहिए तो आप ज्यादा भी कर सकते हो। बटन्स लगा रही हूं मैं, ये देखो यहां पर, है ना ब्यूटीफुल। और अब हम क्या करेंगे, एक स्टिक लेंगे। अगर आपके पास स्टिक नहीं है तो आप जो आपकी कॉपीज नोटबुक फिल हो जाती हैं उसके जो कवर गत्ता होता है ना, थोड़ा थिक वाला होता है, उसकी एक स्ट्रिप कट करके आप वो भी लगा सकते हो। थोड़ा सा इस पे ग्लू लगाना है आपको, इसको ऐसे प्रेस करना, थोड़ी देर प्रेस करके रखना, तभी पेस्ट हो पाएगा ये। लास्ट में हम यहां पर ऊपर थोड़ी सी कॉटन पेस्ट करेंगे। कॉटन किस लिए पेस्ट करेंगे, क्योंकि हमें माखन का इफेक्ट देना है, माखन दिखाना है ना मटकी में, क्योंकि हमने कौन सी मटकी बनाई है, ये माखन वाली मटकी बनाई है। तो जो माखन की मटकी होती है उस पर ऐसे, ये मैम ने ऊपर क्या दिखाया, माखन, ये देखो है ना, क्यूट क्यूट सी मटकी आपकी, और है भी कितनी इजी बनानी, कितनी जल्दी बन गई है ना। आया सबको समझ में कैसे बनानी है मटकी, तो आप मुझे ये मटकी बना के शेयर करोगे सभी। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, बोलो सारे, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की,
हैप्पी जन्माष्टमी, एंजॉय दिस फेस्टिवल टाइम. ओके बाय, गुड बाय एवरीवन.